नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जायसवाल आपके सामने एक नई न्यूज़ के साथ आया हूँ। ब्लड प्रेशर की शिकायत तो हर किसी की आम समस्या हो गई है अपने हिंदुस्तान में। ब्लड प्रेशर किसी न किसी को रहता ही रहता है, तो ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए क्या करें? पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए आपको चिंतन मुक्त रहना होगा। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी, अपने माइंड को फ्रेश करके रखिए। हमेशा आपको कोई संगीत पसंद है तो आप वो संगीत सुने, कोई अच्छी मूवी आपको अच्छी लगती है अच्छी मूवी देखें, अपने माइंड को फ्रेश रखें, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है, ठीक है। इसमें खाने का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खाने का जैसे कि आप मक्खन का प्रयोग कम करें और फैट चीज़ें बहुत कम खाएं, मांस का प्रयोग भी ना करें, ना के बराबर ही करें तो अच्छा रहेगा। अंडे जैसे मछली जैसी चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि इन सब में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। इससे ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ता है। और तम्बाकू का सेवन ना करें, मदिरापान ना करें, इससे भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है हमारे शरीर को। ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इन सब बातों को ध्यान में रखें और हमेशा खुश रहें, मुस्कराते रहें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन 10 से 15 मिनट तक करें, इससे आपकी दिमागी शक्ति बढ़ेगी, सोच क्षमता अधिक रहेगी। अधिकतर लोगों में पाया गया है कि जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहते हैं तो उनमें एक भूलने की बीमारी आ जाती है, जैसे कि ये बीमारी बहुत ही अजीब होती है। क्षण भर के लिए आप किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं और क्षण भर में आपको 6 महीने पहले रखी हुई चीज़ याद आ जाती है, साल भर पहले रखी हुई चीज़ याद आ जाती है, लेकिन अचानक से आपको तुरंत रखी हुई चीज़ आप भूल जाते हैं। तो ये इसमें जो है ये बीमारी का बहुत बड़ा जो है भाग है। आपको समझना चाहिए कि मतलब ये बहुत ही खतरनाक लेवल की बीमारी है। इससे क्योंकि जो ब्लड किडनी साफ करती है या निकालती है वो कर नहीं पाती है, रक्त की जो नसें हैं वो मोटी हो जाती हैं, इस कारण अवस्था किडनी पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और इस वजह से किडनी फेल हो जाती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको नियम फॉलो करने चाहिए। आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए, अधिक मात्रा में आप फ्रूट का सेवन करें तो काफ़ी बेटर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इससे एक बीमारी और उत्पन्न होती है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने की बहुत बड़ी समस्या होती है हाई बीपी वालों को। उनको बात बात पे हाइपर नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मसला चाहे जो भी हो उसे आप अच्छे से समझाएं, सॉल्व करें, क्रोध बहुत कम करिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम रोज़ाना आप वॉक करें, 10 से 15 मिनट तक हरी घासों में पैदल चलें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। योगा करते रहें, छोटा मोटा योगा करें, कपालभाति करें, जो भी आपको अच्छा लगे उस टाइप का आप योगा करें तो इससे आपकी सेहत में काफ़ी सुधार होगा। हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें, अधिक मात्रा में हरी सब्जियां खाएं। और इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं साइलेंट डेथ। साइलेंट डेथ का मतलब अचानक से मर जाना। आप अपनों के चाहते हो, अपनों के प्यारे हो, आप अपनों से प्यार करते हो, तो आप प्लीज़ प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखो। आप खुश रहोगे, आपका परिवार खुश रहेगा। बुरी आदतों से बचो, अच्छे कर्म करो, भगवान की भक्ति करो और हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप हमेशा मुस्कराते रहें और इसी तरह मेरी बातों को नज़रअंदाज ना करें, इसे फॉलो करें। भारत माता की जय। राधे राधे।